आप लोगों के कहने पर मैं आज स्किबिडी टॉयलेट की नई सीरीज लेकर आया हूँ, जिसका नाम है स्किबिडी टॉयलेट मैग्नेट वॉर। और इसको बनाया है यूलेट, अबे जो भी है ये नाम इसने बनाया है। और एक फैक्ट तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब तक मैंने जितनी भी स्किबिडी सीरीज देखी है, इसका एनिमेशन सबसे ज्यादा अच्छा है। नाउ विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एपिसोड 1। कहानी शुरू होती है हमें एक आइडिया देते हुए कि इस यूनिवर्स में इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह ही स्किबिडी स्टोन्स एग्जिस्ट करते हैं। स्किबिडी स्टोन्स क्या यार। एनीवेज, इन स्टोन्स के साथ हमें एक मैग्नेट भी देखने को मिलता है, जिसके अराउंड ये सीरीज रिवॉल्व करने वाली है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक अननोन ह्यूमनॉइड इस फैसिलिटी को एक्सेस कर रहा है और इसके हाथों में एक टेसरेक्ट है जो कि कैमरा स्टोन को डिनोट करता है। और इस स्टोन की मदद से ये फैसिलिटी में एंटर करता है और जैसे ही ये कैमरा स्टोन को उसके डेजिग्नेटेड स्पॉट पर प्लेस करता है, वैसे ही कैमरा पोस्ट एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि इस फैसिलिटी में अब सारे बेसिक स्टोन्स मौजूद हैं, तो सर्किट पूरा होते ही एक सेपरेट चैम्बर खुलने लगता है, जहां अगर ध्यान से देखें तो गोल्डन कलर की फ्लेम नजर आएगी, यानी इस जगह पर मैग्नेट स्टोन मौजूद है। लेकिन तभी पीछे से एक मैग्नेट उड़ता हुआ आता है और ये बंदा टाटा बाय बाय। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं इस नमूने को, जो देखने में मैग्नेट है और बातें थेनोस जैसी कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे मैग्नेटोस। एपिसोड 2 में ये बताता है कि एक मल्टीवर्स वॉर नजदीकियां बढ़ा रही है और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ रहा है, जिस संतुलन को वापस कायम करने के लिए इसे बाकी ब्रह्मांडों का खात्मा करना होगा, जिसके लिए इसे सारे स्टोन्स कलेक्ट करने होंगे। और सबसे पहले इसकी नजर है विजन स्टोन पर, जो कि इसे कैमरामैन रेस से मिलेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कैमरा रेस के शहर को, जहां पर मैग्नेटोस आकर अपनी पावर्स इस्तेमाल करके एक बड़ा सा मैग्नेट समन कर लेता है। शहर में मौजूद सभी कैमरामैन देखते रह जाते हैं कि चल क्या रहा है, और तभी इस मैग्नेट को नीचे आते हुए टाइटन कैमरामैन भी देख लेता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं साइंटिस्ट टॉयलेट को, जिसको पता चल चुका है कि मैग्नेटोस आ गया है, और ये साइंटिस्ट एक बड़ा सा रोबोटिक टॉयलेट बना रहा था, जो कि प्रोबेबली जी मैन की बॉडी होने वाली है। जिसके अगले सीन में हम टाइटन कैमरामैन को मैग्नेट की तरफ उड़ते हुए देखते हैं, जहां रास्ते में ही इसकी मुलाकात मैग्नेटोस से हो जाती है और इन दोनों के बीच होती है डिशुम 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 डिशुम। लेकिन इस लड़ाई में मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, टाइटन कैमरामैन खुद पूरा लोहे से बना है और ये बंदा मैग्नेटोस लिटरली मैग्नेटिक पावर पोजेस करता है, तो चाहे तो ये एक ही बारी में टाइटन कैमरामैन को टिन के डब्बे की तरह कुचल सकता है। लेकिन क्या ये ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि ये लड़ाई के मजे लेना चाहता है, या फिर इसे अपनी ताकत इस्तेमाल करनी ही नहीं आती? अजीब चोमू है भाई। एनीवेज, अपना पावर मूव इस्तेमाल करके ये टाइटन कैमरामैन को एक ही बारी में कॉर्नर कर देता है, और जो ये चाहता है विजन स्टोन, उसे लेने के लिए टाइटन की तरफ बढ़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं स्पीकर रेस का बेस, जहां पर एक हेलीकॉप्टर लैंड होता है और इसमें से निकलता है एक स्पीकर मैन, जिसके हाथों में एक बड़ा सा ब्रीफ केस होता है। और यहीं पर हम देखते हैं टाइटन स्पीकर मैन को पावर अप होते हुए, जिसने शायद अभी अभी एक अपग्रेड लिया है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें थोड़ी देर के लिए एक अनजान जगह दिखाई जाती है, जहां हमने पहले उस ह्यूमनॉइड को देखा था, और यहां पर कुछ कैमरामैन जांच पड़ताल करने गए थे। और फिर हम वापस स्पीकर रेस के बेस में आते हैं, जहां हम देखते हैं जो स्पीकर मैन ब्रीफ केस लेकर आया था वो डार्क स्पीकर मैन होता है। और ये टाइटन स्पीकर मैन को बताता है कि अलायंस के थोड़े बहुत मेंबर्स पहले से ही चांद पर उसका इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद टाइटन करता है अपने जेट पैक्स को चार्ज और रॉकेट की तरह निकल पड़ता है चांद की तरफ। अगले सीन में कैमरामैन चांद की सतह पर अपना झंडा फहराता है, और तभी उन्हें क्रेटर के पीछे से अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है, और उस क्रेटर में होता है सारे स्टोन्स
का प्रॉक्सिमिटी बीकन। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्किबिडी टॉयलेट्स के स्पेस बेस को, जहां पर टाइटन स्पीकर मैन आसानी से टॉयलेट्स के लेजर वेपन्स को एक एक करके तोड़ रहा है। इवन ये तो एक शिप के ऊपर खड़ा होकर अपनी सुपर एबिलिटी से शॉक वेव्स बनाकर उस शिप के कंट्रोल रूम को ही फोड़ देता है। लेकिन उस तबाह हो चुके केबिन से बाहर आता है साइंटिस्ट टॉयलेट और पीछे पीछे आता है जी मैन, जिसके पास वही बॉडी है जो हमने साइंटिस्ट टॉयलेट को बनाते हुए देखी थी। और अब यहाँ पर होगा टाइटन स्पीकर मैन वर्सेस जी मैन। और मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स का जो टाइटन स्पीकर मैन है वो अब तक की सारी सीरीज में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। खैर, ये जी मैन को हरा पाएगा या नहीं वो तो आगे ही पता चलेगा। जिसके बाद हमें एक छोटा सा सीन देखने को मिलता है जिसमें शायद से एक मल्टीवर्सल बींग सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहा है और कहता है कि इतिहास को दोबारा लिखने का समय आ चुका है। एपिसोड 6 में मैग्नेटोस टाइटन कैमरामैन से विजन स्टोन लेने वाला होता है, लेकिन टाइटन कैमरामैन इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। ये अपनी पूरी जान लगा के मैग्नेटोस के खिलाफ जाता है, लेकिन मैग्नेटोस अब मस्ती मजाक करने के मूड में नहीं है। ये अपने साइज को और ज्यादा बढ़ा देता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके टाइटन कैमरामैन को कैद करने की कोशिश करता है, जिसके बाद मैग्नेटोस एक और बड़े से मैग्नेट को समन करता है और टाइटन कैमरामैन बस चुपचाप देखता रह जाता है। एपिसोड 7 में हम देखते हैं टीवी बेस को, जहाँ पे एक टीवी वुमेन टेलीपोर्ट होके आती है और कहने लगती है कि मैग्नेटोस ने टाइटन कैमरामैन को मार के उसका विजन स्टोन चुरा लिया है, और अगर इसी तरह मैग्नेटोस के हाथ बाकी सभी स्टोन्स भी लग गए तो वो मल्टीवर्स का नामो निशान मिटा के रख देगा। लेकिन तभी टाइटन टीवी मैन कहता है मैग्नेटोस को कुछ नहीं मिलने वाला, उसे मैं रोकूंगा। लेकिन क्योंकि टाइटन टीवी मैन का आर्मर बहुत ही कमजोर है, इसीलिए वो अपने आर्मर को अपग्रेड करने के लिए वैली ऑफ डार्कनेस जाने वाला है, जिसके बाद एक क्लॉकमैन के साथ टीम अप करने की बात कहता है और टीवी वुमेन टेलीपोर्ट हो जाती है। अगले सीन में हम क्लॉक बेस देखते हैं, जहाँ पर टीवी वुमेन टेलीपोर्ट होके आती है और चीफ क्लॉकमैन से मदद मांगती है, लेकिन चीफ कहता है कि क्लॉक रेस मैग्नेटोस के सामने कमजोर है और ये सब बहुत ही खतरनाक है। लेकिन यहाँ पे टाइटन स्पीकर मैन भी आ जाता है एंड गैस वर्ट, ये अपने साथ जी मैन को भी लाया है, जो कहता है कि टॉयलेट्स भी अलायंस के साथ लड़ेंगे क्योंकि मैग्नेटोस को हराना बहुत जरूरी है। और फाइनली चीफ टीम अप करने के लिए मान जाता है और बैकग्राउंड में टाइटन क्लॉकमैन ऐसे बाहर आता है जैसे वो चीफ के हाँ बोलने का ही इंतजार कर रहा था। और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हमें प्रोबेबली टाइटन टीवी मैन को अपग्रेड होते हुए दिखाया जाएगा या फिर आगे होने वाली अल्टीमेट बैटल का बेस तैयार किया जाएगा। खैर, जो भी होगी देखी जाएगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।